क्या पावरफुल है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो सॉरी शुरू से देखो मैं जो ब्लॉग यहीं पे चालू करना पड़ रहा है, फिलहाल मैं लैपटॉप एंड मेरा टिफिन लेके जा रहा हूँ एंड अभी हम कहाँ जाने वाले हैं वो आपको ब्लॉग में आके पता चल जाएगा। बहुत स्लो चलता गया है, जल्दी आ जल्दी आ। हमने सुरेश को बोला था गाड़ी धोने के लिए 5:35-5:45 तक और जाके चाय पी के साथ में, लेकिन बहुत लेट हो गया भाई। थैंक यू ब्रो। अरे वो नहीं, थैंक यू टाटा। बहुत लेट हो गया, अभी लाइट भी चालू नहीं है, इसका गाड़ी की लाइट खड़ी है, ये रही। ओ भगवान भगवान भगवान, लेट हो गए। सुबह को उठने को नहीं होता यार। चल भाई, ए भगवान, फ्लैश लाइट चालू नहीं किया भाई, इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कुल नहीं तो ये हमारा चाय की दुकान है, लेकिन आज चाय पीने का टाइम ही नहीं मिला, बहुत लेट हो गया भाई। 6 बजे पहुँचना था, 6:02 इधर ही हो गया, यहाँ से कम और 5-6 मिनट का रास्ता है। फिलहाल तो मैंने सारे विंडोज रोल डाउन कर दिया, बिकॉज सुबह को गाड़ी जब धोता ना सुरेश, तो गाड़ी के अंदर बहुत मच्छर आ जाते हैं, वो मच्छर निकालने के लिए भाई कांच विंडो ओपन करना ही पड़ता है, तो क्या होता है ना ये सारे मच्छर तभी बाहर निकलते हैं जब क्लाइंट गाड़ी में बैठता है, तो भाई उसको अवॉइड करने के लिए मैंने फिलहाल विंडो ओपन कर दिया है, रोल डाउन कर दिया है। और पता प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अब देखो, जैसे विंडो रोल डाउन करते ना, तो ये पानी है ना जो इसके अंदर चला जाता है ना धोने के टाइम पे, तो ये जब विंडो ऊपर नीचे करते हैं तो वापस ये बाहर आ जाता है। अभी इसको क्लीन करना पड़ेगा, चारों विंडो में लग गया रहेगा ये। भाई विंडो से क्लीन हो गए, अभी पेटीएम बैलेंस चेक करो, 762 रुपीज़ है, मेरे को 620 रुपये मिनिमम चाहिए, तो इसको रिचार्ज भी कर लेते 1000 रुपीज़ से, ताकि अपने को फास्ट ट्रैक में कोई दिक्कत ना हो। खानी कालापुर टोल एंड ये है हमारा नाश्ता, दिस इज पोहा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं HP के पेट्रोल पम्प पे एंड यहाँ पे मैंने 3000 का क्या बोलते हैं GP कर दिया है, इतने का फ्यूल बढ़ेगा, 92.62 का यहाँ पे फ्यूल है। एंड आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, नो डाउट। आज एक्चुअली क्या है, वेनसडे है, ठीक है, लेकिन आज फूल मतलब कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। फिलहाल तभी हमको यहाँ से पहुँचने में अप्रॉक्सीमेट और लगेगा 45 मिनट से एक डे, कम से कम 1.5 घंटा और लगेगा हमको। भाई 10:45 हो चुका है एंड हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 10:30 को। मैं पहले तो वॉशरूम गया भाई, मैं अपना पेट खाली करके आया भाई, बहुत सही लग रहा है। अभी मैं फिलहाल गाड़ी में बैठ के ना थोड़ा बुकिंग काम है वो सब खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग आना चालू हो गया है एंड मैं जब ड्राइव कर रहा था ना मुझे फ़ोन आया था, तो मैंने
या अपने क्या बोलते हैं एयरपोर्ट से मैंने बात किया क्लाइंट से एंड एक दो बुकिंग मैंने कंफर्मेशन ले ली, कार भी भेज दी है, लेकिन उनका जो बुकिंग बनाना पड़ता है सिस्टम पे, फिर वो बुकिंग को डिस्पैच करना पड़ता था कि ड्राइवर को एक SMS, कंपनी को SMS, जो पैसेंजर उसको SMS, ईमेल, सबको नोटिफिकेशन जाए एंड ये पूरा प्रोसेस जो है ना बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा प्रोसेस है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना भाई, तो ये सब होना बहुत कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है। तो ये सब करता हूँ फटाफट एंड उसके बाद थोड़ा आराम करूँगा, थोड़ा नींद जैसा आ रहा है कि बहुत टाइम के बाद मैं अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी पर गया हूँ, और मैं थोड़ा टाइम रेस्ट कर लूँगा उसके बाद पता नहीं। और अभी भूख भी लगी है, तो ये देखो ये है अपना फ्रूट। अभी आप बोलोगे भाई इसका ढक्कन क्यों खुला है, क्योंकि ये इसका ढक्कन है, अभी ढक्कन लगा के ये अंदर जाता नहीं है, फिट होता नहीं है, तो ढक्कन अलग से निकाल के रखना पड़ा मेरे को। एंड अब मुझे खाना है फ्रूट, क्योंकि अभी घर से बहुत मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शन हो चुके हैं कि बाहर खाना नहीं है बिकॉज हेल्थ ख़राब है। एंड आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगा कि मेरे जो रिपोर्ट है ना वो क्या है, कैसे है, मतलब पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको दे दूँगा। भाई दोपहर के बज चुके हैं, अरे लॉक क्यों नहीं हो गाड़ी भाई, हाँ दोपहर के बज गए हैं ऑलमोस्ट 2:30 एंड वी हैव कम होटल साइडी खाना खाने के लिए। 5 hours later भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कांदीवली। टाइम देखो कितना बजा, इसमें दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, 7:15 टाइम है। तो अभी हम जा रहे हैं हर जगह के शॉप पे, क्यों अभी आप बोलोगे भाई वापस कुछ चेंजेस करने जा रहे हो, बराबर है, सही पहचाना आपने। तो अभी मैंने आपको जो सुबह को दिखाया था ना जो पार्किंग नेट्स का बल्ब थे, तो वो मुझे इंस्टॉल करने गाड़ी में, तो मैंने फ़ोन किया था हार्दिक भाई को, तो वो बोले बिफोर 8 o'clock तेजस भाई से, मतलब मेरी बात हुई तेजस भाई से एंड ही टोल्ड मी कि आप है ना 8 बजे के पहले आ जाओ एंड हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो अभी टाइम में 7:15 है, जैसे पहुँचने में और लगे 15 मिनट। सो गाइस देखो वो लाइट लगाने के पहले है ना मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लैश कैसे लग रहा है, मतलब ये जो कंपनी के इनबिल्ट है ना तो ये एकदम नल्दा लग रहा है मेरे को, भी आपको आगे से भी दिखा देता हूँ एक बार, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। देखो ये है और ये है दूसरा। तो गाइस ये देखो फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, ये देखो मैं बना लिया, पहले बना लिया भाई, दिखा दिया पब्लिक को, ये देखो कितना पावरफुल टेल लाइट्स है, अरे पार्किंग लाइट्स है, अब पीछे से दिखाता आपको, ये हादी भाई की शॉप, ये देखो क्या पावरफुल है। फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ एंड भाई LED टर्न इंडिकेटर भाई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। इसका लिंक मैं आपको बाद में दूंगा क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, चला के देखना है कि ये फ्लैशर जो है मतलब वो चल रहा है प्रॉपर कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्लैशर जो होता है ना वो बीच में बना रहता है, उस वजह से जो ब्लिंक का जो स्पीड होता है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है। वहाँ पर इशूज़ हो रही है या फिर मॉम जोर जोर से TV दिख रही है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं एंड मुझे मजबूरी में व्लॉग किचन में ही एंड करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो